गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट टाइम देखो हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, दैट इज एग्जांपल ऑफ द फ्रेम विद द स्वे। ओके, स्वे हम लोगों ने देखा था। एम आई ऑडिबल टू ऑल? ओके, देखो हम लोगों ने स्वे से स्टार्ट किया था। लेट अस कंसिडर, यहाँ पे हम लोगों ने स्वे फ्रेम बनाया था। स्वे मतलब हम लोगों को बताया, दैट इज जहाँ पे स्टोरी डिफ्लेक्शन आएगा दैट पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते थे, दैट इज ए बी सी का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ए बी और सी डी के लिए यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर डेल्टा आता है तो उसको हम लोगों ने दो डायग्राम में डिवाइड किया था, दैट इज फर्स्ट वन नॉन स्वे फ्रेम, जहाँ पे हम लोग जो डेल्टा आ रहा है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे बाय अप्लाइंग दी कैपिटल एस फोर्स इन दी अपोजिट डिरेक्शन। तो इसलिए ये देखो ये कांस्टेंट रहेगा अपना, दैट इज एज्यूम करेंगे स्वे अपना ऑलरेडी टुवर्ड्स राइट ही जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एस फोर्स लगाते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट टू रेस्ट्रिक्ट दैट डेल्टा। और सेकेंड डायग्राम जो रहेगा दैट इज ओनली फॉर स्वे, तो स्वे फ्रेम बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग इन द डिरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ पे लोड लगा रहे टू मेक द डिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये दो एनालिसिस अपने को करने पड़ेंगे। लास्ट टाइम ही हम लोगों ने ये सब कुछ देखा था। तो फर्स्ट नॉन स्वे एनालिसिस हम लोगों ने एक्सटर्नल लोडिंग के लिए किया था, दैट इज फॉर द मेंबर लोडिंग। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे फिक्स्ड इन मोमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द जॉइंट कंडीशंस एंड ईआई वैल्यू एंड लेंथ, वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। वेयर एज नेक्स्ट वन एमडीएम टेबल हम लोगों ने रन किया था फॉर द नॉर्मल फ्रेम, जहाँ पे हम लोगों को नॉन स्वे मोमेंट्स मिल गए थे। आफ्टर गेटिंग दिस नॉन स्वे मोमेंट्स हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर किया था ए बी और सी डी का। ओके, फॉर वॉट? टू कैलकुलेट दी कैपिटल एस फोर्स। ओके, तो फ्रॉम एफ बी डी ऑफ दी ए बी अपने को एच का वैल्यू मिला था एच ए, फ्रॉम दी एफ बी डी ऑफ दी सी डी अपने को एच डी का वैल्यू मिला था। ओके, ये डिरेक्शन जो नॉर्मल है वही हम लोग रखने वाले। देन समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जब मैं करूँगा कंसिडरिंग होल स्ट्रक्चर ऑफ द नॉन स्वे फ्रेम, तो अपने को यहाँ से विद द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। ओके, तो यहाँ पे अपने को S का वैल्यू मिल रहा है, दैट इज 33.625 किलो न्यूटन। देखो मेरे को टूवर्ड्स द लेफ्ट ही फोर्स चाहिए, वो ध्यान में रखना। अगर ये टूवर्ड्स द राइट आता है तो टूवर्ड्स द लेफ्ट क्या रहेगा? -33। ओके, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये टूवर्ड्स द लेफ्ट ही एक्ट कर रहा है, बिकॉज अगर ये नेगेटिव हो गया तो अपने को एक फैक्टर मिलने वाला है, उसको भी वो इफेक्ट करेगा। आफ्टर दिस नेक्स्ट हम लोगों ने स्वे मोमेंट के लिए, दैट इज स्वे एनालिसिस किया था। तो स्वे एनालिसिस में देखो हम लोगों ने एक फ्रेम कंसिडर किया था यहाँ पे। तो फ्रेम में डेल्टा अगर मैं अप्लाई करता हूँ, दैट इज एच डैश फोर्स अगर अप्लाई करता हूँ टू फॉर द जनरेशन ऑफ द डेल्टा, तो डेल्टा टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर्म हो रहा है। क्यों एंटी क्लॉकवाइज? बिकॉज तुम लोगों का जो मेम्बर है इट इज क्लॉकवाइज डिरेक्शन में मूव हो रहा है आफ्टर डिफ्लेक्शन, तो ऑब्वियसली जो फिक्स्ड एंड मोमेंट रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन में जाएगा फॉर द ए बी एज वेल एज सी डी। तो दोनों के लिए हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट किया था, दैट इज 6EI डेल्टा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। सेम वे यहाँ पे भी 6EI डेल्टा डिवाइड बाय एल स्क्वायर। अभी EI और लेंथ का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों का रेशियो ले लिया, दैट इज मोमेंट अबाउट द ए बी एंड मोमेंट अबाउट द सी डी। देखो यहाँ पे एम ए बी डिवाइड बाय एम सी डी लिया हुआ है। अगर ये रेशियो हम लोग लेते हैं तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ EI एंड एल स्क्वायर अपने को रेशियो मिल गया 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए बी का वैल्यू 1 है तो सी डी हो जाएगा 4। तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज्यूम करते हैं ए बी के लिए। ओके, एम ए बी और एम बी ए दोनों सेम ही है यहाँ पे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों का वैल्यू हम लोगों ने -5 एज्यूम किया। ये माइनस साइन का भी इंपॉर्टेंस है। ओके, बिकॉज देखो ये डेल्टा टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ही यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही यहाँ पे एज्यूम करेंगे, तो इसलिए इसको +5 एज्यूम नहीं करना है, ये -5 ही रहेगा। सी डी और डी सी अगर ये 5 है तो नीचे का कितना है? 4 times of 5, तो इसलिए आ जाएगा -20 किलो न्यूटन मीटर। आफ्टर दैट हम लोगों ने एम डी एम फॉर दिस स्वे मोमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, सिमिलर वे जो हम लोगों ने नॉर्मल करते हैं वैसे ही हम लोगों को करना है। ओके, मेंबर्स जॉइंट लिख दिया हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, तो वो सेम ही रहने वाला है। इनिशियल मोमेंट्स है अपने पास, दैट इज नथिंग बट -5 -5। बी सी और सी बी के लिए कुछ नहीं रहेगा बिकॉज डेल्टा इफेक्ट करेगा तुम लोगों को ओनली
वर्टिकल मेंबर्स को, और फिर तुम लोगों को सी डी और डी सी के लिए रिटर्न अपने पास वैल्यूज़ है, दैट इज़ -20, -20। ओके, रिकॉर्डिंग चालू है, डोंट वरी। आफ्टर दैट हम लोगों को अभी नॉर्मल जो हम लोग करते हैं वैसे स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। अभी बैलेंसिंग ऑफ द स्ट्रक्चर देखो कैसे हम लोग लिखेंगे। ए पॉइंट के ऊपर बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिकॉज वहाँ पे एक ही मेंबर कनेक्टेड है। जब मैं बी ए और बी सी की बात करूँगा तो देखो यहाँ पे समीशन ऑफ मूवमेंट जीरो नहीं आ रहा है, दैट इज़ -5 + 0, वो आ रहा है तुम लोगों का -5। तो -5 को जीरो करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेक करोगे तो यहाँ पे +5 अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जाके ये जीरो बनेगा मूवमेंट। तो +5 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो 5 × 0.25 यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करता हो तो ये वैल्यू आती है 1.25, दैट इज बैलेंसिंग मोमेंट फॉर दी बी ए। सिमिलरली 5 × 0.75 यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 3.75। रिटर्न सी के लिए चेक करेंगे तो सी पे देखो यहाँ पे समीशन ऑफ मोमेंट 0 - 20, तो यहाँ पे भी -20 अनबैलेंस मोमेंट है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, +20 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो +20 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 20 × 0.6, 20 × 0.6 यहाँ पे आ जाएगा 12। रिटर्न 20 × 0.4 यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, डी पे भी बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी मैं बैलेंसिंग करूँगा तो वहाँ पे क्या होगा, कैरी ओवर चला जाएगा फार एंड के ऊपर। तो अभी देखो हर एक का फार एंड यहाँ पे फिक्स्ड और पार्शली फिक्स्ड है, तो इसलिए हर एक का यहाँ पे कैरी ओवर जाने वाला है। लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट ए, यहाँ पे देखो 1.25 / 2 यह आ जाएगा 0.625। सेम वे 3.75 / 2 यह आ जाएगा 1.875। 12 / 2 यह आ जाएगा 6। 8 / 2 यह आ जाएगा 4। ओके, रिटर्न अभी देखो यहाँ पे भी कैरी ओवर आ गया साइड से 6, तो यहाँ पे भी अनबैलेंस रहेगी मोमेंट, और यहाँ पे भी ये 1.875 आ गया। तो रिटर्न अपने को साइकिल रन करना पड़ेगा, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ मोमेंट। ओके, और कैरी ओवर, तो रिटर्न बैलेंसिंग करते समय अभी ये 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, -6 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू मेक इट 0। तो -6 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, -6 × 0.25, तो ये आ जाएगा बी ए के लिए बैलेंसिंग मोमेंट, दैट इज -1.5। सिमिलरली -6 × 0.75, दैट इज -4.5। यहाँ पे भी चेक करोगे तो अनबैलेंस मोमेंट है 1.875, तो मल्टीप्लाई -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आ जाता है -1.875 × 0.6, तो ये आ जाएगा -1.25। रिटर्न यहाँ पे भी 0.4 से अगर मल्टीप्लाई करता हो तो ये आ जाता है -0.75। रिटर्न सबका यहाँ पे कैरी ओवर चला जाएगा फार एंड के ऊपर, दिस इज हाफ, यहाँ पे भी हाफ चला जाएगा, रिटर्न यहाँ पे भी हाफ जाएगा, तो 1.5 -1.5 / 2, तो ये आ जाएगा -0.75। 4.5 -4.5 / 2, तो ये आ जाएगा -2.25। -1.125 / 2, दैट इज 0.563, -0.563। ओके, 0.75 / 2, तो ये आ जाएगा -0.375। सिमिलर वे रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न एक बैलेंसिंग मोमेंट करना पड़ेगा, कितने साइकिल्स रन करने, दैट इज 1, 2, 3, 4 साइकिल्स रन करने। ओके, तो ये थर्ड साइकिल है यहाँ पे, तो ये 0.5, इसका हम लोगों को बैलेंसिंग करना पड़ेगा 0.563 माइनस है, तो यहाँ पे प्लस में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है बी ए के लिए 0.25, तो 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 0.141, सॉरी इधर लिखते 0.141। सिमिलरली 0.75 से अगर मल्टीप्लाई करता तो ये आ जाता है 0.422। चेक करो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये राइट ही रहे, ठीक है, बिकॉज मैंने भी कैलकुलेशन करके लिखा है, तो देर में भी चांसेस कि वहाँ पे मिस्टेक रह सकता है। सिमिलरली 2.25 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो 2.25 / 0.6,
या ये आ जाता है 1.35, और ये यहाँ पे आएगा 0.4 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो ये आ जाता है 0.9। रिटर्न इसका कैरी ओवर चला जाएगा फार एंड के ऊपर, ये दोनों का भी कैरी ओवर चला जाएगा, 0.9 का भी आएगा, 0.141 / 2 दैट इज 0.071। देन रिटर्न वन ये आ जाएगा 0.211, इसका हाफ चला जाएगा, ये आ जाएगा 0.675, इसका आ जाएगा 0.45। ठीक है, 1, 2, 3 थर्ड साइकिल हो गया। देन लास्ट में यहाँ पे बैलेंसिंग कर रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को वैल्यूज़ क्या मिल रही है। ओके, ये यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, रिटर्न 0.65 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो कितना आ रहा है। आई थिंक इट इज, लेट अस चेक इट, 0.675 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ओके, आंसर बताओ, बिकॉज अभी तक मेरे को कैलकुलेशन मेरा इतना ही है तो इसलिए आंसर बताओ BA के लिए वैल्यू क्या आ रहा है। 0.169, 0.169 फॉर द BA। लेट अस कैलकुलेट फॉर द BC, ये आ जाएगा माइनस 0.169। व्हाट अबाउट BC, 0.506, 0.506, 0.506। वॉट अबाउट CB, CB के लिए देखो 0.211 मल्टीप्लाई बाय 0.6, CB के लिए 0.127। ओके, आगे का कैलकुलेट करते रहो तब तक, 0.127। वॉट अबाउट दी CD, 0.0084 है या 0084 है, 084, ओके 0.084, तो यह आ जाएगा माइनस 0.084। मैं यहाँ तक ही एंड करता हूँ। ओके, यहाँ से मिल जाएगा तुम लोगों को वैल्यूज, सिर्फ कैलकुलेशन करो, कैलसी रहेगा सबके पास। प्लीज ऐड फ्रॉम दिस -5 टू दिस 0.071, हर एक के लिए कैलकुलेट करो, फॉर दी AB, BA और BC, CD, DC, सबके लिए कैलकुलेट करके बताओ वैल्यूज़ क्या आ रहा है। एडिशन करो सबका, हर एक का अलग अलग, व्हाट इज द वैल्यू फॉर AB, सबको दिख रहा है तुम लोगों को विंडोज, AB, BA, BC, CB, CD, अलग अलग से कैलकुलेशन करो, हर एक जन सेम मत करो, आधे जन तुम लोग का AB का कैलकुलेशन करो, आधे जन BA का, BC का, CB का, CD का, DC का। देखो ये सर्कल में वो वैल्यूज़ नहीं है, वो अनबैलेंस वैल्यू थी जो हम लोग को रेफरेंस के लिए लिया था मैंने। AB के लिए आ रहा है -5.054। ओके, बाकी का करो तब तक, 0.5.054 -5.054। वॉट अबाउट दी BA, BC के लिए है -15.925, 15.925। ओके, दोनों में से एक फाइंड आउट करो तुम लोगों को, बाकी के वैल्यूज हम लोग लिखे तो भी चलेगा। BA के लिए आ रहा है -5.082। ओके, BA का कंफर्म करो वेदर इट इज 5.278 या फिर 5.028। आई थिंक 5.278 रहेगा। BC आ जाएगा ऑटोमेटिकली 5.278 पॉजिटिव, चेक करो। ये CB के लिए तुम लोगों ने आई थिंक बताया था मेरे को, CB के लिए इट इज़
सी बी या फिर सी डी के लिए बताओ क्या आ रहा है, 11.766। ओके आई थिंक दिस इज नेगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा 11.766। अगर हम लोगों का ये कैलकुलेशन अगर परफेक्टली 3 डिजिट तक हम लोगों ने मेंटेन रखा है तो ये तुम लोगों का वैल्यूज परफेक्टली मैच होगा। ओके अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत अगर किधर तुम लोगों को थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है देन इट्स ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर डीसी का, डीसी का कितना आ रहा है, 5 पॉइंट नहीं 16.825 डीसी का डीसी। ओके 16 पॉइंट ओके ठीक है, चेक करो फिर भी बाकी किसी का अगर वेरीफाई करो डीसी का कितना आ रहा है, 16.825 है कि नहीं। आई थिंक वो 15 वाला बराबर है बिकॉज मेरा आंसर भी लगभग उसके नज़दीक ही है तो इसलिए चेक करो डीसी के लिए। ठीक है 15.9 में ही आ रहा है, डोंट वरी बिकॉज मैंने भी वो निकाला है 15.9 के बीच में ही आ रहा है। ओके डोंट वरी इतना तुम लोगों का कैलकुलेशन आ गया तो भी इनफ है, अगर यहाँ पे कुछ वेरिएशन होता है 2 डिजिट में लास्ट में तो चलेगा, डोंट वरी इतना कंसिडरेशन हो जाता है तुम लोगों का, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि परफेक्टली हर एक आंसर सेम ही आए। तो ये तुम लोगों का रहेगा फाइनल स्वे मोमेंट्स, ओके अप्रोक्सीमेट स्वे मोमेंट्स बोल सकते हो इसको, और आर्बिट्ररी हम लोगों ने बोला था आर्बिट्ररी स्वे मोमेंट्स। अभी देखो ये आर्बिट्ररी मतलब क्या है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है मतलब इसको अपने को रिटर्न सॉल्व करना पड़ेगा ही। तो लेटेस्ट कंसिडर यहाँ पे भी अपना एक एस डैश फोर्स था, देखो हम लोगों ने अगर डायग्राम में चेक किया होगा तो यहाँ पे अपना एक एस डैश फोर्स है, तो ये एस डैश फोर्स भी अपने को निकालना पड़ेगा। तो फाइंड आउट दिस एस डैश फोर्स रिटर्न वी विल अप्लाई समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेज फॉर दिस डायग्राम इज इक्वल्स टू जीरो, तो समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेज करूंगा तो एच ए और एच डी का वैल्यू पता होना इंपॉर्टेंट है, सो वी कैन फाइंड आउट दी एच ए एंड एच डी वैल्यू बाय कंसिडरिंग एफ बी डी ऑफ ए बी एंड सी डी। ओके तो रिटर्न यहाँ पे भी सेम अपने को करना है टू फाइंड आउट दैट वैल्यूज, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दी ए बी। ओके बोथ के लिए हम लोग करेंगे, दैट इज एफ बी डी फॉर ए बी एंड सी डी, ओके फॉर स्वे फ्रेम। ओके पहले वाला भी किया था हम लोगों ने नॉन स्वे के लिए बिकॉज उसमें एक्सटर्नल लोडिंग थी, तो यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा वेदर इट इज स्वे और नॉन स्वे, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग के पास ऑलरेडी वैल्यूज है, यहाँ पे दिस इज वन ए बी मेम्बर, दोनों साइमल्टेनियसली करते तुम लोगों का टाइम बचेगा, लेट अस कंसीडर दिस इज सी डी मेम्बर। तो ऑलरेडी अपना जो ए बी का वैल्यू है इट इज नेगेटिव और बी ए भी नेगेटिव है, मतलब क्या दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज ही आ रहे हैं। वैल्यूज अगर चेक करेंगे हम लोग तो ए बी के लिए तुम लोगों का -5.054 है, 5.054, वेयर एज बी ए के लिए चेक करेंगे दैट इज 5.278। ठीक है जब मैं लिखता हूँ तो तुम लोगों को साइन लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज साइन से हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्शन लिख लिया है। सेम वे यहाँ पे जब मैं सी डी के लिए करूँगा तो देखो सी डी के लिए वैल्यूज है तुम लोगों का 11.766, दोनों नेगेटिव है देखो तो इसलिए ये भी एंटी क्लॉक वाइज आएंगे, 11.766 दैट इज सी डी, वेर एज डी सी के लिए तुम लोगों का 15.925। ओके वॉट एवर वैल्यूज है सब किलोमीटर मीटर में ही है, चाहिए तो लिख लो एक के लिए तो एटलीस्ट। अभी देखो हम लोगों को फोर्सेस निकालने पड़ेंगे, लेट अस कंसिडर यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसका डायरेक्शन एच ए, इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स दी लेफ्ट। ओके ये डायरेक्शन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ओके ये कौन सा भी रहेगा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग कैलकुलेशन के बाद अपने को एक्चुअल डायरेक्शन मिल जाएगा। रिटर्न सिमिलरली ये एच डी के लिए भी हम लोग ले लेते हैं एक डायरेक्शन, बाकी का फोर्सेस नहीं लिखा तो भी चलेगा बिकॉज रिटर्न उनका मूवमेंट क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, चेक करोगे यहाँ पे एक हॉरिजेंटल है यहाँ पे एक वर्टिकल है, यहाँ पे भी वर्टिकल है यहाँ पे भी एक वर्टिकल फोर्स हॉरिजेंटल वर्टिकल। अगर मेंबर्स यहाँ पे देखोगे तो दिस इज ए बी दिस इज सी और डी। नाउ फॉर द कैलकुलेशन
For the AB member, we will take summation of moment at point B will be equals to zero. Okay? तो B के ऊपर अगर moment लेता हो तो देखो यहाँ पे ये moment भी आएगा, ये moment भी आएगा. दोनों anti-clockwise है तो negative आएंगे. That is minus 5.278 minus 5.054 और इसका moment HA का moment at point B it will be in clockwise direction तो इसलिए वो आ जाएगा positive HA मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस कितना था आई थिंक चेक करो टोटल डिस्टेंस है अपना यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज आई थिंक 6 और 3 मीटर रहेगा वो लेट अस चेक 6 और 3 मीटर है तो इसलिए तो वैल्यूज है उसमें हम लोग पुट करेंगे दिस इज 6 मीटर राइट इट डाउन हियर दिस इज 3 मीटर तो यह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 शुड बी इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से अपने को एच ए का वैल्यू मिलेगा कैलकुलेट करो एच ए का वैल्यू कितना आ रहा है दैट इज दोनों मोमेंट का समेशन डिवाइडेड बाय 6 ऐसे किया तो भी चलेगा चेक करो वैल्यू ऑफ द एच ए दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट 5.278 प्लस 5.054 डिवाइडेड बाय 6 1.722 ओके सब चेक करो 1.722 पॉजिटिव आ रहा है मतलब इसका क्या हुआ हम लोगों ने जो एज्यूम किया वो डायरेक्शन बराबर है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट ठीक है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं सेम वे जब मैं सी डी में चेक करूंगा तो देखो सी डी में भी अपने को लेना पड़ेगा दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी विल बी इक्वल्स टू जीरो साइन कन्वेंशन तुम लोगों को चाहिए वो अप्लाई कर सकते हो अपना साइन कन्वेंशन क्या रहता है क्लॉकवाइज पॉजिटिव फॉर द इक्विलिब्रियम तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 11.6766 माइनस 15.925 और ये एच डी का मोमेंट आएगा एच डी इंटू 3 क्लॉकवाइज तो वो आ जाएगा पॉजिटिव एच डी मल्टीप्लाई बाय 3 शुड बी इक्वल्स टू 0 चेक करो एच डी का वैल्यू कितना आ रहा है दोनों मोमेंट का समेशन डिवाइडेड बाय 3 9.230 ओके 9.230 पॉजिटिव आ रहा है चेक करोगे तो ये पॉजिटिव है इस साइड के नेगेटिव वैल्यू उस साइड में चले जाएंगे 9.23 किलो न्यूटन पॉजिटिव है मतलब जो डायरेक्शन हम लोगों ने एज्यूम किया है वो राइट है भले ही वो रॉन्ग हुआ तो सेम डायरेक्शन अपना डायरेक्शन है वो ठीक से लिखने का जो डायरेक्शन आ रहा है वही लिखने का ओके तो ये होने के बाद इफ़ वी अप्लाई दिस समेशन ऑफ शियर इक्वेशन जो हम लोग करते थे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टू फाइंड आउट एच डैश apply summation of horizontal forces is equals to zero to whole structure in sway frame ठीक है sway frame में अगर observe करोगे तो कोई यहाँ पे देखो sway frame में कोई ये नहीं रहता एक्सटर्नल लोडिंग नहीं रहता है सिर्फ यहाँ पे एच डैश है एच ए का वैल्यू टूवर्ड्स द लेफ्ट है और एच डी का भी टूवर्ड्स द लेफ्ट है तो एच ए प्लस एच डी इज इक्वल्स टू एच डैश हो जाएगा डायरेक्टली तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं अदरवाइज नॉर्मली वी विल कंसिडर टूवर्ड्स द राइट फोर्स पॉजिटिव तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एच डैश माइनस एच ए माइनस एच डी इज इक्वल्स टू जीरो सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द एच डैश वैल्यू दैट इज एच ए प्लस एच डी चेक करो दे तो यहाँ पे एच ए का वैल्यू यहाँ पे 1.722 प्लस ये है तुम लोगों का 9.23 तो अपने को यहाँ से एच डैश का वैल्यू मिलेगा चेक करो एच डैश इज इक्वल्स टू दोनों का समेशन चेक करो कितना आ रहा है 1.722 प्लस 9.23 दैट इज 10.952 ओके किलो न्यूटन डायरेक्शन देखो ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि एच डैश तुम लोगों का टुवर्ड्स द राइट ही रहेगा भले ही वो टुवर्ड्स द लेफ्ट आ गया तो उसको हम लोग नेगेटिव टुवर्ड्स द राइट लिखेंगे ओके तो ये 10.952 किलो न्यूटन इसको अपने को मेंटेन करना है टुवर्ड्स द राइट ओनली इससे क्या है देखो ये डायरेक्शन है ये तुम लोगों को मैनेज करना है एक एच डैश का तुम लोगों का एक डायरेक्शन और सेकेंड वन तुम लोग का एस का तुम लोग का रिलेशन देखो एस का भी तुम लोगों ने मैनेज किया था ये एस का वैल्यू ये दो वैल्यूज का डायरेक्शन देखो एस ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट ओनली
ओके भले ही टुवर्ड्स ही राइट जा रहा है तो वो नेगेटिव लिखेंगे हम लोग। इन दिस सेम वे एच डैश भी तुम लोग का टुवर्ड्स ही राइट ही रहेगा। तो अपने को देखो यहाँ पे दो वैल्यूज मिल गई, एस इज इक्वल्स टू 33.625, 33.625, ये दोनों वैल्यूज अपने को यूज होने वाली है। लेट अस कंसीडर एस इज इक्वल्स टू 33.625 किलो न्यूटन, इट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट। ओके और एच डैश तुम लोग का आएगा, दिस इज 10.952। ये डिरेक्शन वैसे ही रहेगा अप टू द एंड तक। इसके बाद देखो हम लोगों ने जो ये जो मोमेंट जो निकाला हुआ है स्वे मोमेंट के लिए, दीज आर दी अप्रोक्सीमेट मोमेंट्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न मोमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे फैक्टर लेते हैं, दैट इज नथिंग बट स्वे करेक्शन फैक्टर। ओके इसको हम लोग बोलते हैं स्वे करेक्शन फैक्टर के। तो वो स्वे करेक्शन फैक्टर इट इज नथिंग बट वे करेक्शन फैक्टर इट इज के, इट इज द रेशियो ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस डैश। वॉट एवर दोनों फोर्स मिले तो एस का वैल्यू अपने पास 33.625 डिवाइडेड बाय 10.952। चेक करो ये वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट यूर स्वे फैक्टर जो अपने को यूज आएगा टू फाइंड आउट द एक्चुअल स्वे मोमेंट्स। ओके 33.625 डिवाइड बाय 10. दैट इज 3.07। तो ये 3.07 तुम लोगों का स्वे फैक्टर है, इसका यूज होने वाला है 3.07। अभी अपना आएगा दैट इज एक्चुअल फाइनल तुम लोगों का रिजल्ट, दैट फाइनल मोमेंट विल बी इक्वल्स टू, वी कैन से फाइनल मोमेंट कैलकुलेशन। फाइनल मोमेंट कैलकुलेशन के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे, दैट इज फर्स्ट वन इसमें आएगा एज्यूम स्वे। ओके एज्यूम वैल्यू से जो निकला तुम लोग का वो स्वे का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एज्यूम्ड स्वे मोमेंट। एज्यूम स्वे मोमेंट मतलब जो लास्ट वाले मोमेंट निकले थे वो। सेकेंड इसमें आएगा दैट इज एक्चुअल स्वे मोमेंट्स, एक्चुअल स्वे मोमेंट्स हम लोग निकालते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दी एज्यूम स्वे मोमेंट बाय दिस के फैक्टर, दैट इज वॉट एवर जो ये एज्यूम स्वे मोमेंट आएंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, तो ये जो आएगा इट इज नथिंग बट वन, फर्स्ट रो जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय हम लोग के करेंगे। थर्ड जो है तुम लोगों का दैट इज नथिंग बट नॉन स्वे मोमेंट जो हम लोग को मिला था फर्स्ट टेबल में। ओके नॉन स्वे एनालिसिस में वो नॉन स्वे मोमेंट वैसे के वैसे ही रहेंगे, और लास्ट में फोर्थ में तुम लोगों को मिलेगा दैट इज एक्चुअल टोटल मोमेंट, और वी कैन से ओनली टोटल मोमेंट। टोटल मोमेंट हम लोग करेंगे दैट इज सेकेंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू। तो ये दोनों का अगर मैं समेशन करता हूँ तो अपने को दोनों वैल्यूज मिल जाते हैं। तो लेट अस कंसिडर यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाते हैं, तो फर्स्ट वन यहाँ पे आएगा, वेट फॉर अ सेकेंड। सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, लेट अस टेक यहाँ पे तुम लोगों का जॉइंट्स वाइज हम लोग करेंगे। तो जॉइंट देखो एक ही बाद अपना मोमेंट जो आता है फर्स्ट वन, फर्स्ट मोमेंट जो आएगा दैट इज ए बी के लिए आएगा। ओके उसके बाद आएगा बी ए के लिए, देन यहाँ पे हम लोग करेंगे बी सी के लिए, देन सी बी के लिए, देन सी डी, एंड द लास्ट वन दैट इज डी सी। ठीक है, एज्यूम स्वे मोमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने पहले टेबल में लिखा हुआ, तो डायरेक्टली ले लिया तो भी चलेगा। तो देखो फर्स्ट इसमें हम लोगों ने किया हुआ है, दिस इज सॉरी एज्यूम स्वे मोमेंट सेकेंड में 5.054। ओके चाहिए तो ये ले लो डायरेक्टली तो भी चलेगा 5.054, यहाँ पे लिखने के लिए टाइम जाएगा दैट इज 5.054। सेकेंड वन दैट इज बी ए 5.278,
यहाँ पे जो वैल्यूज लिख रहे हैं वो विथ साइन लिखने का है, वो ध्यान में रखो। बीसी के लिए चेक करेंगे तो दैट इज़ 5.278 सेम रहेगा, उसके बाद 11.766 तो ये आ जाएगा नेगेटिव 11.766। ओके ये आ जाएगा पॉजिटिव 5.278 और लास्ट वाला रहेगा दैट इज डीसी। डीसी का वैल्यू है तुम लोगों का 15.925। ओके नेगेटिव 15.925। ओके साइन ठीक से लिखने हैं, बिकॉज अगर साइन अगर तुम लोग भूल जाते हो तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। सेकेंड हम लोग करेंगे दैट इज नथिंग बट एक्चुअल स्वे मोमेंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बाद में, डोंट वरी। पहले हम लोग ले लेते हैं नॉन स्वे मोमेंट्स। नॉन स्वे मोमेंट के लिए देखो पहला जो टेबल है वो फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज 38.597 माइनस 38.597। सेकेंड जब मैं बीए के लिए करूँगा तो बीए के लिए वैल्यू देखना पड़ेगा, बीए के लिए 30.86। अगर ये 30.86 है तो ऑब्वियसली ये रहेगा माइनस 30.86। देन रिटर्न सीबी के लिए है अपने पास 2.152 तो ऑब्वियसली ये रहेगा नेगेटिव 2.152। ओके लास्ट रहेगा डीसी के लिए, डीसी के लिए रहेगा माइनस 1.076 माइनस 1.076। ओके सिंपल, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जो अज्यूम मोमेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे K से। तो यहाँ पे 3.07 से K से मल्टीप्लाई करो हर एक को, चेक करो वैल्यूज कितना आ रहा है, फाइंड आउट दैट वैल्यूज। फर्स्ट AB के लिए कितना आएगा, 3.07 मल्टीप्लाई बाय 5.054, चेक करो कितना है वैल्यू, 15.516 माइनस 15.516। और एक जन करो आगे का कौन सा आएगा, फिर 5.278 मल्टीप्लाई बाय 3.07। बीए के लिए माइनस 16.203 ये आ जाएगा प्लस 16.203। लास्ट दैट इज सीबी के लिए रिटर्न 36.121 माइनस 36.121। The last one for the DC माइनस 48.89। ओके ये तुम लोगों का टोटल मोमेंट जो आएगा ये दोनों का समेशन आएगा ओनली, दिस सेकेंड प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके चेक करो ये सबका समेशन हर एक का कितना आ रहा है, 15 और ये माइनस 38, दोनों का समेशन चेक करोगे तो फर्स्ट मोमेंट मिलेगी दैट इज ए बी के लिए हैव यू अंडरस्टूड एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम लोग, दैट इज माइनस 54.033 माइनस 54.033। चेक करो सेकेंड के लिए बी ए, व्हाट अबाउट बी ए, हर एक जन अलग अलग करो मतलब तुम लोगों को फटाफट मिल जाएगा आंसर। फॉर द बी ए 14.657 बी सी 14.657 14.657। देखो ये भी वैल्यू सेम आएगा सिर्फ नेगेटिव में आएगा, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे ठीक से और
कैलकुलेट करोगे तो ये दो वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगा अगर तुम लोगों का कैलकुलेशन परफेक्ट है, ठीक है, बिकॉज इट शुड बी अपोजिट एंड इक्वल। चेक करोगे तो वैल्यू देखो, सी बी के लिए चेक करो कितना आ रहा है, सी बी के लिए 38.273। सिमिलरली ये भी सेम ही आएगा बट नेगेटिव साइन से 38.273। और लास्ट वन दैट इज माइनस 49 पॉइंट कितना आ रहा है वो, लास्ट डी सी के लिए चेक करो कितना आ रहा है, दैट इज 49.966। ओके, अंडरस्टूड। मेथड बहुत लेंदी है लेकिन एक्चुअल में अगर अंडरस्टैंड करोगे तो बहुत सिंपल मेथड है, इसलिए ठीक से अंडरस्टैंड करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ओके, दीज आर नथिंग बट यूर एक्चुअल मोमेंट जो हम लोग निकालते थे एंड मोमेंट्स। ओके, वंस वी गेट दीज एंड मोमेंट्स वी कैन गो फॉर दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग निकाल सकते हैं इससे। इज देयर एनी डिफिकल्टीज, अभी किसी को डाउट है इसमें तो पूछो अभी, बिकॉज नॉन स्वे स्वे के लिए तुम लोगों को आई थिंक मे बी बहुत सारे डाउट्स रहेंगे। चेक करो इज देयर एनी डाउट, सबको अंडरस्टैंड हो गया। ओके, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है अगर करोगे तो। देखो अभी डिफिकल्टी क्या क्या आएगा उसके हिसाब से मैं एक दो प्रॉब्लम और ले लूँगा, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सेम टू सेम प्रॉब्लम तुम लोगों को एग्जाम में आए, इसलिए हम लोग ले सकते हैं कि तुम लोगों को अगर लोडिंग ही नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं। ओके, या फिर इंक्लाइन मेंबर आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दीज आर दी स्मॉल प्रॉब्लम्स वो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसिडर, अभी अपने पास 20 मिनट्स है तो एक स्मॉल हम लोग यहाँ पे रिटर्न ले लेते हैं एक प्रॉब्लम। लेट अस टेक दैट प्रॉब्लम। देखो ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो बिकॉज इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वही करने का था। जस्ट फॉर द बेंडिंग मोमेंट वी विल ड्रॉ फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हम लोग फ्री बीएमडी और फिक्स बीएमडी दोनों निकाल के ओवरलैप करेंगे दोनों को। अभी देखो ये एक प्रॉब्लम है, दैट इज एनालाइज द रिजिड फ्रेम एज शोन इन फिगर। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ए बी सी डी, यहाँ इसके ऊपर कुछ मेंबर लोडिंग ही नहीं है, तो अगर मेंबर लोडिंग नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, मेंबर लोडिंग नहीं दिया है तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, मेंबर लोडिंग नहीं दिया है तो ऑब्वियसली देर विल नॉट बी एनी फिक्स्ड एंड मोमेंट। ओके, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट नहीं है तो जो तुम लोग को नॉन स्वे में जो मोमेंट मिलती थी वो यहाँ पे आएंगे ही नहीं। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस टेक फर्स्ट स्टेप जो अपना आता है, दैट इज फर्स्ट नॉन स्वे एनालिसिस। ओके, डायग्राम को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, फर्स्ट वन इज स्वे, सेकेंड वन इज नॉन स्वे। चाहिए तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, रफ के लिए हम लोग बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते इसका। दिस इज फॉर दी नॉन स्वे प्लस स्वे में हम लोग को ये कंसिडर करना पड़ेगा। देखो नॉन स्वे में तुम लोगों का 80 किलोन्यूटन इस पर एक्ट करेगा, ठीक है, बिकॉज वो एक्सटर्नल लोड है और तुम लोगों का जो स्वे रहेगा उसमें तुम लोगों को कुछ लोड नहीं है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दिस इज तुम लोग का एस वैल्यू, सेकेंड वन दिस इज एच डैश, दिस इज योर स्वे मोमेंट का डायग्राम, नॉन स्वे फ्रेम और स्वे फ्रेम बोल सकते हो इसको। अभी देखो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो कोई मेंबर लोडिंग नहीं है तो ऑब्वियसली फिक्स्ड एंड मोमेंट तुम लोगों का जीरो आएगा नॉन स्वे के लिए। अगर फिक्स्ड एंड मोमेंट जीरो है तो ऑब्वियसली एच ए और एच डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज एच ए और एच डी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय कंसिडरिंग दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दी ए बी एंड सी डी। तो अभी ए और बी के ऊपर मोमेंट ही नहीं है और यहाँ पे कुछ मेंबर लोडिंग ही नहीं है तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो हम लोग देखो इसमें फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं इसके, दैट इज फर्स्ट स्टेप नॉन स्वे एनालिसिस।
नॉन स्फीयर एनालिसिस के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट, राइट डाउन दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट इन ऑल मेंबर्स इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज मेंबर लोडिंग ही नहीं है तो ऑब्वियसली ये जीरो हो जाएगा. तो अपने को जो वैल्यूज मिलेगा फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बी एंड सी डी, तुम लोग का जो एच ए और एच डी का जो वैल्यू मिलता है दैट एच ए और एच डी वैल्यू विल बी जीरो, बिकॉज यहाँ पे मोमेंट्स ही नहीं है तो दैट एच ए और एच डी टोटली डिपेंड ऑन दी तुम लोग का ओनली फिक्स्ड इन मोमेंट. तो इसलिए कंसिडरिंग दी हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन, अगर मैं हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन कंसिडर करता हूँ होल डायग्राम के लिए समेशन ऑफ एच इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है एच ए प्लस एच डी ओके प्लस एच फोर्स विल बी इक्वल्स टू सॉरी ये एस तो आएगा ही प्लस वैल्यू देखो साइन कन्वेंशन तुम लोगों को एज्यूम करना है तो लेट अस टुवर्ड्स द राइट फोर्स पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव और ये आ जाएगा पॉजिटिव. वहाँ पे 80 किलोन्यूटन का लोड है तो यह आ जाएगा माइनस एस प्लस 80 शुड बी इक्वल्स टू जीरो. तो अगर ये ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों वैल्यू चले जाएंगे तो एस जो है अपना उसका वैल्यू आ जाएगा 80 किलोन्यूटन. ठीक है वैल्यू अपना सेम ही आ रहा है दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ही आना चाहिए, ध्यान में रखना ये साइन कन्वेंशन तुम लोगों का टुवर्ड्स द लेफ्ट ही है. तो अपने को नॉन स्फीयर एनालिसिस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी. ओके फर्स्ट इसमें हम लोगों ने पूरा नॉन स्फीयर एनालिसिस किया था, यहाँ पे मेंबर लोडिंग ही नहीं है तो नॉन स्फीयर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपने को स्वे फोर्स मिल गया. ओके सेकेंड वन यहाँ पे रिटर्न हम लोग जाएंगे फॉर दी सेकेंड स्टेप दैट इज स्वे एनालिसिस. तो देखो स्वे एनालिसिस में सिर्फ इतना ही डायग्राम रहेगा, चेक इट आउट, यहाँ पे सिर्फ इतना ही डायग्राम रहेगा स्वे एनालिसिस में. तो यहाँ पे भी हम लोग मोमेंट्स निकालेंगे एंड देन फाइंड आउट दैट स्वे मोमेंट्स ओके अप्रोक्सीमेट स्वे मोमेंट्स. तो रिटर्न हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे सेकेंड दैट इज स्वे एनालिसिस स्टेप नंबर टू. स्वे एनालिसिस सो फॉर दिस स्वे एनालिसिस स्ट्रक्चर स्वे यहाँ पे एज्यूम करने का ही यही है दैट इज स्ट्रक्चर का जो स्वे हो रहा है स्ट्रक्चर स्वे बाय डेल्टा डेल्टा टू राइट डिरेक्शन ओनली और वी कैन से टूवर्ड्स द राइट. देखो मैं हर एक इसमें ये एज्यूम ही कर रहा हूँ कि ये डेल्टा जो हो रहा है वो टूवर्ड्स द राइट ही हो रहा है. ओके तो फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दोनों का अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो फिक्स्ड एंड मोमेंट देखो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ए बी डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ए बी बी सी और दिस इज सी डी. ओके यहाँ पे मैं डायरेक्टली एज्यूम कर लेता हूँ ऑब्वियसली स्वे अगर टुवर्ड्स राइट हो रहा है तो तुम लोग का मेंबर है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा तो तुम लोग का जो मोमेंट जो जनरेट होगा इट इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ए बी के लिए भी और सी डी के लिए भी. वैल्यू क्या रहेगा सबका दैट इज सिक्स ई आई डेल्टा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर. ओके इसके लिए अलग वैल्यू आएगा दैट इज सिक्स ई आई डेल्टा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर और इसके लिए अलग आएगा सिक्स ई आई डेल्टा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर. अब इसमें अपने को एज पहले देखना पड़ेगा कि इसका लेंथ कितना है. ओके ऑब्जर्व करोगे ये 6 मीटर ये 4 मीटर है आई का वैल्यू भी देखो यहाँ पे 2i और 1.5i तो ये यहाँ पे इफेक्ट करेगा दिस इज 2i दिस इज 1.5i दिस इज 6 मीटर और दिस इज 4 मीटर. अभी देखो एक्चुअल में अभी तुम लोगों का ई आई वैल्यू डिफरेंट है इसमें पहले इसमें नहीं था ऐसा केस. तो अगर मैं रेशियो निकालता हूँ दैट इज एम ए बी और एम सी डी का तो ये रेशियो देखो यहाँ पे क्या आएगा इधर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू ई आई का वैल्यू दैट इज 2 ई आई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा दोनों में सेम रहेगा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिटर्न सी डी के लिए चेक करेंगे तो ये आ जाएगा रिटर्न 6 इंटू 1.5 ई आई
मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, दैट इज फोर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाएगा फोर स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय सिक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा टू डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये जो वैल्यू आता है इट इज आई थिंक 16 डिवाइडेड बाय 27, चेक करो। तो ये तुम लोगों का वैल्यू है, इसको डायरेक्टली पॉइंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अपने को रेशियो ही चाहिए, ओके। जैसे हम लोग ए बी और सी डी का तुम लोग वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये 16 ए 27, अभी यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल डायरेक्टली टेक एम एफ ए बी, ओके, वॉट एवर यहाँ पे ये फिक्स्ड मोमेंट है, हम लोगों ने डायरेक्टली ए बी लिख दिया यहाँ पे, ये ध्यान में रखना है ये एम एफ ए बी है और ये भी एम एफ सी डी है। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एज्यूम एम ए बी विल बी इक्वल्स टू, और वी कैन से इनिशियल मोमेंट एम एफ ए बी विल बी इक्वल्स टू -16 किलो न्यूटन मीटर। माइनस लेना ही है, क्यों ले रहे हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे एज्यूम करें कि टूवर्ड्स राइट ही होने वाला है, तो हमेशा तुम लोगों का ये मोमेंट है वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अगर ये 16 रहेगा एम एफ ए बी और वी कैन से एम एफ बी ए, दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो हम लोग निकाल सकते हैं देयर फॉर एम एफ बी सी, सॉरी एम एफ डी सी और सी डी, एम एफ डी सी विल बी इक्वल्स टू एम एफ सी डी विल बी इक्वल्स टू -27। वंस वी गेट दिस वैल्यू वी विल गो फॉर दी एम डी एम टेबल। अभी एम डी एम टेबल से पहले देखो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं निकाला है, तो स्वे एनालिसिस के लिए रिटर्न हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फॉर होल स्ट्रक्चर। तो लेट अस ड्रॉ द टेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फर्स्ट। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में देखो यहाँ पे कौन कौन से मेंबर थे, दैट इज जॉइंट हम लोग पहले कंसिडर करेंगे, फ्रेम ही है तो ऑब्वियसली मिडल पॉइंट अपने को देखना है बी और सी, ओके, देन मेंबर्स कनेक्टिंग टू दी बी एंड सी, दैट इज मेंबर्स इज ये बी ए रहेगा, दिस इज बी सी, सी के लिए यहाँ पे रहेगा सी बी, नेक्स्ट वन दैट इज सी डी। देन के का वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे हम लोग डायग्राम को, तो देखो यहाँ पे सब फिक्स ही है, ये फिक्स रहेगा बी सी के लिए, सी पार्शियली फिक्स रहेगा, सी बी के लिए बी पार्शियली फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे 4EI बाय LE आने वाला है, सिर्फ EI का वैल्यू चेक करो, तीनों के लिए EI का वैल्यू डिफरेंट है और लेंथ 644 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर द बी ए इट इज़ नथिंग बट 4EI डिवाइडेड बाय L, तो 4 इंटू EI का वैल्यू 2EI यहाँ पे, तो 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ इज 6 मीटर। सिमिलरली BC के लिए करेंगे तो यहाँ पे भी सिंगल EI है, तो यह आ जाएगा 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ इसका 4 मीटर है। सी बी के लिए करेंगे तो ये सेम ही आएगा, दैट इज़ 4EI डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज प्रॉपर्टीज सेम है। सी डी के लिए चेक करेंगे दैट इज़ 1.5EI, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1.5EI डिवाइडेड बाय लेंथ है उसका 4 मीटर। तो समेशन ऑफ के करेंगे तो इसके लिए समेशन ऑफ के अलग रहेगा, इसके लिए अलग रहेगा, तो ये चेक करेंगे हम लोग तो ये आई थिंक आता है 2.33EI, वेर एज सी के लिए आ रहा है दैट इज 2.5EI। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे दैट इज रेशियो, ये दोनों का रेशियो लेंगे तो दिस इज 0.571, सेकेंड वन इट इज 0.429, देखो दोनों का समेशन 1 आना चाहिए बराबर है, उसके बाद 0.4 और देन 0.6, ओके, वॉट एवर जो लिखा है उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली टोटल टेबल तो नहीं बना रहा हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल अगर हम लोग फटाफट कर रहे तो। नेक्स्ट हम लोग स्टेप करेंगे दैट इज एम डी एम टेबल, ओके, सेम हम लोग एम डी एम टेबल के लिए जाएंगे। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पेज दैट इज एम डी एम टेबल और वी कैन से स्वे एम डी एम। ओके, तो स्वे एम डी एम के लिए देखो टेबल तो सेम ही बनने वाला है, जॉइंट कौन कौन से जॉइंट से यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट वन दैट इज ए जॉइंट, देन बी, देन सी, द लास्ट वन इज डी, ओके, देन मेंबर्स कनेक्टिंग टू द जॉइंट, ए के लिए देखो यहाँ पे ए बी रहेगा,
बी के लिए रहेगा दैट इज बी ए देन बी सी, सी के लिए रहेगा सी बी देन सी डी, और डी के लिए रहेगा दैट इज डी सी. ओके देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चेक करो कौन कौन से हम लोगों ने निकाले थे. दैट इज ए बी के लिए कुछ नहीं है, बी ए के लिए 0.571, बी सी के लिए था दैट इज 0.429, सी बी के लिए इट इज 0.4 और सी डी के लिए इट इज 0.6, डी सी के लिए कुछ नहीं. ओके इनिशियल मोमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं. इनिशियल मोमेंट्स ए बी के लिए तुम लोगों का इनिशियल मोमेंट था यहाँ पे -16, बी ए के लिए भी -16 ही है, बी सी के लिए इट इज 0, सी बी के लिए 0, सी डी के लिए इट इज -27 और डी सी के लिए भी -27. ओके रिटर्न अभी यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, कैरी ओवर करेंगे. सबका फार एंड तुम लोगों का फिक्स्ड है तो हर एक के ऊपर यहाँ पे कैरी ओवर जाने ही वाला है. टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा. लेटेस्ट ट्राई तुम लोग भी यहाँ पे ट्राई करो, कैलकुलेशन करके देखो मेरा आंसर और तुम लोगों का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं. सॉल्व कर रहे हो तो तुम लोग सॉल्व करो, ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यूज. ओके तुम लोग सॉल्व करते बैठो तब तक, 5 मिनट का काम है, ये होने के बाद हम लोग स्टॉप करेंगे. तो लेटेस्ट सॉल्व इट, अगर कुछ आंसर वैरी हो रहा है तुम लोगों को भी पता चलेगा कि हम लोगों का मिस्टेक क्या हो रहा है. ट्राई करो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ट्राई करने के लिए किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अगर खुद से ट्राई करते हो तो 5 मिनट ही बाकी है, 5 मिनट में हो जाएगा. करोगे सब लोग? यस और नो? ओके ट्राई करो, मैं तब तक डायरेक्टली यहाँ पे भी ट्राई करता हूँ. 5 मिनट में एटलीस्ट होना चाहिए तुम लोगों का भी. तो इनिशियल मोमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे मैं बैलेंसिंग मोमेंट ले रहा हूँ. दैट इज बैलेंसिंग मोमेंट विल बी एट पॉइंट बी, -16 है तो +16 में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिया हुआ है, बाय मल्टीप्लाइंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये आ रहा है 9.14, whereas BC के लिए आ रहा है 6.86. सिमिलरली यहाँ पे -27 है, उसको जीरो करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यह आ जाएगा 10.8 और यह आ रहा है 16.2. उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो इसलिए ये बैलेंसिंग हो जाएगा तो कैरी ओवर चला जाएगा फार एंड के ऊपर. ओके तो ये कैरी ओवर आ गया फर्स्ट इसका हाफ, ये आ जाएगा 4.57, यहाँ पे है 5.4, देन इसका हाफ आएगा 3.43, 16 का आएगा 8.1. सेम वे रिटर्न बैलेंसिंग करेंगे हम लोग. 5.4 है, उसको जीरो करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तो 5.4 का यहाँ पे आएगा -3.08 और यहाँ पे आएगा -2.32. ये 3.43 है, उसको जीरो करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा -3.43 तो ये आ जाएगा -1.37. सेकेंड आएगा -2.06. सबका डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न कैरी ओवर चला जाएगा फार एंड के ऊपर. कैरी ओवर विल बी फर्स्ट का आएगा दैट इज -54, देन इसका आएगा 2.32 का आएगा 0.69. ओके उसके साइड में -1.16 और लास्ट में 2 का जाएगा यहाँ पे -1.03. रिटर्न बैलेंसिंग मोमेंट 0.69 है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिटर्न 0.39, 0.3. यहाँ पे भी 1.16 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 0.46, 0.7. सबका रिटर्न कैरी ओवर चला जाएगा फार एंड के ऊपर. पहले इसका कैरी ओवर आ रहा है दैट इज 0.20,
देन 0.23 देन 0.15 0.35 ओके रिटर्न लास्ट में यहाँ पे तीन साइकिल करके यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ 1, 2, 3 ठीक है बिकॉज 0 पॉइंट में आ रहा है तो डायरेक्टली मैं लास्ट स्टेप यहाँ पे बैलेंसिंग मोमेंट ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर बैलेंसिंग करता हूँ मैं तो ये आ जाता है 0.23 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो ये 0.13 माइनस 0.13 और ये आएगा माइनस 0.1 इसका आएगा माइनस 0.06 और ये आ जाएगा माइनस 0.09 टोटल अगर इसका हम लोग समेशन करते हैं तो वैल्यूज तुम लोगों को मिलते हैं ये 0.09 ये कौन से मोमेंट्स है दैट इज आर्बिटरी और अप्रोक्सीमेट ओके आर्बिटरी स्वे मोमेंट तो ये पहले का अगर मैं समेशन करता हूँ इट इज माइनस 12.77 इसका हम लोग करेंगे तो माइनस 9.68 प्लस 9.68 देन 12.25 माइनस 12.25 लास्ट में आ रहा है 19.5 चेक करो सबका आ रहा है क्या वैल्यूज ये ओके यहाँ तक हम लोग कर लिया है तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ओके स्वे टेबल का हम लोग ने बना लिया है दैट इज प्रीवियस देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला था स्वे एनालिसिस किया था नेक्स्ट स्टेप है तुम लोगों का दैट इज एस फोर्स निकालो तुम लोग एस डैश फोर्स और स्वे फैक्टर निकाल के फाइनल मोमेंट्स निकालो ठीक है मैं यहाँ तक कर रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को बताना है कि एक्चुअल मोमेंट्स यहाँ पे कितना आया दैट इज नेक्स्ट लेक्चर देखो आज फ्राइडे तो डायरेक्टली मंडे को ही होगा तो मंडे तक एटलीस्ट तुम लोगों का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकाल के एस डैश फोर्स निकाल के फैक्टर निकालना है और फाइनल मोमेंट्स बताना है ठीक है होमवर्क लिख लो ये डायरेक्टली वैल्यूज तुम लोगों का डायरेक्टली चाहिए तो देखो मोमेंट का वैल्यू तुम लोगों ने लिया लिखा हुआ है ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल तुम लोगों का वैल्यूज कितना आया ओके आज हम लोग यहाँ तक स्टॉप कर लेते हैं।